अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं, नम्स के क्लोजिंग मेरिट और एग्रीगेट फार्मूले के हवाले से हम लोग आपसे बात करेंगे। इस वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेटा कलेक्ट किया है और काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत के बाद आपसे ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपकी काफ़ी जो है वो नॉलेजफुल होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये पूरी वीडियो देखें ताकि आपको जो है नम्स के हवाले से काफ़ी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपको बताते चले कि नम्स का जो कि टेस्ट है वो अब 3 अक्टूबर को हो चुका था, रिजल्ट अब बहुत जल्द जो है अनाउंस हो जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि इनका मेरिट फार्मूले के हवाले से, मेरिट फार्मूला इनके जो है वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज के लिए फर्क होता है। आर्मी मेडिकल कॉलेज जो है वो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में आता है, इनका जो मेरिट फार्मूला होता है वो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का सा होता है कि इसमें 50% आपके PMC के MDCAT के मार्क्स काउंट होते हैं, नम्स के टेस्ट के जो है 25% काउंट होते हैं और FSC के 25%। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो इनका मेरिट फार्मूला होता है वो थोड़ा सा फर्क ये होता है कि इसके FSC के मार्क्स जो है वो ज्यादा काउंट होते हैं, 50% आपके FSC के मार्क्स, 25% आपके MDCAT और 25% आपके नम्स के टेस्ट के मार्क्स काउंट होते हैं। सिंपल अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का आप लोग निकालना चाहे मेरिट तो आप लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग बाद में जो है आपको वो लिंक भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप लोग जाके अपना आर्मी मेडिकल और नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का आप जो है वो मेरिट फॉर जो मेरिट है अपना एग्रीगेट है वो आप लोग निकाल सकते हैं और बहुत इजीली आपसे जो है वो उसमें वो लिंक हम लोग शेयर करेंगे, आप लोग उसमें जाके आराम से जो है अपना मेरिट आप लोग निकाल लेगा। आपको बताते चले कि लास्ट ईयर के हवाले से बताते चले कि लास्ट ईयर जो है वो MDCAT के मार्क्स भी अच्छे थे और नम्स के भी अच्छे मार्क्स आए थे, तो इसलिए जो है क्लोजिंग मेरिट आर्मी मेडिकल कॉलेज का जो है वो काफ़ी हाई रहा था। MBBS का 90.93 के ऊपर क्लोज हुआ था। ये 8th मेरिट लिस्ट के हवाले से हम लोग शेयर कर रहे हैं और इनकी जो सीट्स थी वो 55 सीट्स थी। BDS की जो है वो 90.30 पे क्लोज हुआ था और सीट्स इसकी 14 थी। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये आप लोग इनकी ऑफिशियल जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी MBBS की वो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 55 सीटें थी और इसमें ये पहले मेरिट लिस्ट के ऊपर 93.13 के ऊपर क्लोज हुआ था, लेकिन ये 8वीं मेरिट के ऊपर आके वो गिर गया था। इसके अलावा जो है BDS की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 14-15 सीट्स थी और इसमें जो है ये एक सीट जो है फॉरेन कैंडिडेट की है, तो आप लोग उसको अगर अलग रखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहली मेरिट लिस्ट जो है वो इतने भी क्लोज हुई थी, लेकिन बाद में जो है इनकी फर्दर लिस्टें लगती रही और वो क्लोजिंग मेरिट जो है इनका वो गिर गया था काफ़ी। इसके अलावा आपको बताते चले के जो नम्स के बाकी एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें वहाँ मेडिकल कॉलेज और CMH लाहौर जो कि सबसे ज़्यादा हाई मेरिट इनका रहता है, आप लोग देख सकते हैं कि इनकी सीट्स 150 है और इसके बावजूद इनका जो मतलब के मेरिट है वो काफ़ी हाई है। आप लोग अगर इस वीडियो में इस पिक्चर में देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। आप लोग देख सकते हैं कि CMH लाहौर के जो कि मेरिट क्लोज हुआ था MBBS का वो 90.90 और अगर आप लोग इनकी मेरिट लिस्ट देख सके तो आपको यहाँ पे जो है वो कंप्लीट मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है जिसके अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट जो है वो वेटिंग लिस्ट में भी थे और मतलब कि तमाम लिस्ट जो है यहाँ पे प्रोवाइडेड है, हम लोग लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो ये मतलब कि इस तरह करके यहाँ पे मेरिट होता है, मेरिट लिस्ट लगती है और उसमें जो है आपकी जब मतलब वहाँ पे आपका क्लोज भी हो जाता है एक जगह पे आके जहाँ जितने स्टूडेंट जो है वो पहले से स्पीच सबमिट करवाते तो आप वो उनकी जो है वो फिर इस उस लिहाज से क्लोजिंग मेरिट आपका सेट हो जाता है। इसी तरह फिजाइया मेडिकल कॉलेज जो है उसका क्लोजिंग मेरिट देख सकते हैं कि 88.09 पे क्लोज हुआ था। इसी तरह फर्दर CMH खारियाँ और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और CMH मुल्तान जो है उसका आप लोग देख सकते हैं कि मेरिट CMH लाहौर के बाद दूसरे नंबर पे रहा था कि इनका 90.59 के ऊपर क्लोज हुआ था। अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये भी हमारे पास मेरिट लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो ये मतलब मुल्तान की मेरिट लिस्ट यहाँ पे इस तरह करके आती है जिसमें जो है वो तमाम स्टूडेंट्स का MBBS और BDS की जो है वो सीट्स और इनकी जो कि मेरिट फॉर जो एक मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे इस तरह करके डिस्प्ले होती है। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, डेफिनेटली जो है वो फिर बाद में जब मेरिट लिस्टें लगती रही तो उसमें जो है आपका वो चेंज हो गया था, मतलब कि जो मेरिट क्लोजिंग मेरिट
रेट है वो नीचे आ गया था। इसके अलावा जो है बाकी भी यहाँ पे लिस्ट पे प्रोवाइडेड आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग BDS के हवाले से देख बताएं तो आपको बताते चले कि BDS की जो कि लाहौर जो CMS लाहौर है उनका जो डेंटल की जो क्लोज हुआ था वो 84.81 पे हुआ था और इनकी जो है वो सीट्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है। हम लोग जो है एक और वीडियो भी आपसे शेयर कर चुके हैं जिसके अंदर इनकी सीट्स और तमाम मतलब कि इस तरह की फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो सीट्स भी प्रोवाइडेड है। तो आप देख सकते हैं कि CMH लाहौर में डेंटल की 75 सीट्स थी और एग्रीगेट यहाँ पे क्लोज हुआ था। इसी तरह फाउंडेशन यूनिवर्सिटी जो है उसकी 50 सीट्स थी और वो इतने पे क्लोज हुआ था। इसी तरह हाईटेक का यहाँ पे प्रोवाइडेड है और बहरी यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो ये काफ़ी नॉलेज जो है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की गई है। इसके अलावा अगर आप लोग CMH की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे ये मेरिट फार्मूला नज़र आ जाएगा जो कि इस साल अप्लाई होगा। ये तमाम NIMS के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। और अगर आप लोग पब्लिक सेक्टर आर्मी मेडिकल का मेरिट फार्मूला देखना चाहें तो ये भी आप लोग जो है जो हम लोगों ने आपसे पहले शेयर किया था वो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाके कन्फर्म कर सकते हैं कि आपके MD कैट के 50% मार्क्स, NIMS के आपके 25% और FSC के आपके 25% और इसी तरह CMH के यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि आपके FSC के 50% काउंट हो गए। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने शेयर की, आप लोग जो है हमारे लिंक के ऊपर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट सवाल करते हैं कि भाई वो किस तरह अपना मेरिट फार्मूला के अंदर किस तरह वो जो है निकाले या किस तरीके से जो है वो मेरिट कैलकुलेट करे, तो उसके हवाले से आपसे उसके हवाले से हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब आप लोग अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का अपना फाइंड करना चाहे या आप लोग AMC का फाइंड करना चाहे तो इसमें आप लोगों ने FSC के मार्क्स लिख देने हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के 1020 आए हैं। अब हम लोग ये इस साल एक्सपेक्ट क्लोजिंग मेरिट के हवाले से बात बताएंगे और अब एक्सपेक्ट करेंगे 130 मार्क्स आए क्योंकि NIMS के 150 में से काफ़ी अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं। MD कैट के इस दफ़ा कम आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इस नंबरों के ऊपर आपका क्लोजिंग मेरिट MBBS का वो 88 पे जा चुका है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये उससे भी ज़्यादा जो है वो गिर जाएगा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि इस दफ़ा MD कैट के मार्क्स जो है वो कम आए स्टूडेंट्स के। लास्ट आप लोग देख सकते हैं कि CMH लाहौर का जो क्लोज हुआ था वो 90.9 पे हुआ था लेकिन इस दफा जो है वो डेफिनेटली ये अब मैक्सिमम मार्क्स हम लोग लगा के देख रहे हैं कि इस पे क्लोजिंग आपकी हो सकती है। तो मतलब कि 88 जो है इसमें इस तरह और फर्दर जो है ये और भी गिरेगा तो 85% तक आप लोग देख सकते हैं कि इस दफा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का चला जाएगा। और अगर आप लोग AMC की बात करें तो सेम नंबर अगर आप लोग यहां पे टाइप करें और अगर एक स्टूडेंट के 170 MD कैट में है, NIMS में 130, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है वो 85 मतलब कि ये आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट जो है वो आपका मतलब कि इसमें जो है आपके FSC के मार्क्स जो है वो कम काउंट होते हैं AMC के अंदर, तो NIMS के मार्क्स आपके काफ़ी ज़्यादा काउंट होते हैं। और अगर आपके ये NIMS के मार्क्स जो है हम लोग ज़्यादा कर दें तो मतलब कि इसमें बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। मतलब कि इसके अंदर जैसे ही हम लोग NIMS के मार्क्स ज़्यादा करते जाएंगे इसमें एक बड़ा डिफरेंस आएगा। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के इतने मार्क्स है तो मतलब कि उसका ये जो AMC का मेरिट क्लोजिंग मेरिट बनेगा वो इस तरह करके वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स का जो कि AMC का मेरिट है वो भी इस दफ़ा 90 से गिर जाएगा और 86 और 87 और 88 के अंदर ही रहेगा। लास्ट ईयर आपको हमने पहले भी शेयर किया है कि लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा रहा था। लास्ट ईयर जो है अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपके MBBS की जो 55 सीटों के ऊपर 90.93 पे क्लोज हुआ था और BDS की 90.30 पे 14 सीटों के ऊपर क्लोज हुआ था। और इसके बाद आप इस दफ़ा जो है वो 90 से लाजमी गिरेगा, 85 से आप लोग देख सकते हैं कि 85 से अब ही रहेगा डेफिनेटली। लेकिन फर्दर आप सबने पूरी वीडियो में शेयर किया कि आप लोग खुद भी किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, नीचे लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा आप लोग हमारी पार्क लर्निंग स्पॉट वेबसाइट के ऊपर जाके ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोग हासिल भी कर सकते हैं और आप लोग जो है वो इसमें और भी हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स के साथ चीज़ें शेयर की हुई है, उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें मिल जाएगी। पार्क लर्निंग स्पॉट .com आप लोग गूगल पर भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो इसमें
ये तमाम जो डेटा है वो हमने इस तरह शेयर किया हुआ है। इसके अलावा हम लोग फर्दर भी अपडेट जो जो आएंगे हम लोग आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मजीद भी आने वाली जो अपडेट्स है और MDCAT और NUMS के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।